अरे चलो भाई साहब, सभी सामान वगैरह ले लिया है यार। अभी भाई साहब सिर्फ घर का यहाँ पर यह सब कुछ करना बाकी है। चलो यार, शिनचैन के लिए चोको चिप्स ले लिया, नोबिता के लिए भी चॉकलेट ले लिया, चॉप का डॉग फूड ले लिया। ओ भाई साहब, अरे यार भाई साहब, मैं सब धक्का मारता रहता हूँ यार, लेकिन यार अपनों के लिए ना कुछ भी नहीं लिया यार। मतलब मैं खुद के लिए कुछ नहीं लिया। अरे यार ऐसा ही होता है, जब घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना तो खुद के लिए भाई साहब खरीदने का जी ही नहीं करता, सोचता हूँ कि भाई साहब उसको ही खरीद दूँ। चलो आ गया भाई साहब घर, और बाइक को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। और चलो भाई साहब, इसी डिक्की के अंदर सब कुछ है। अरे चलो नोबिता और शिनचैन को भेज देता हूँ भाई साहब, ताकि ये यहाँ से आके सामान लेके जाए। अरे मैं आ गया दोस्तों। अरे घर में इतना सन्नाटा। नोबिता, शिनचैन, भाई साहब कहाँ हो तुम दोनों? नोबिता, शिनचैन, अरे कहाँ हो बता दो। अरे नीचे। अबे यार नीचे क्या कर रहा है भाई साहब? अरे फ्रेंकी मैं जल्दी आओ यार। अरे रुको 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 भाई साहब, आता हूँ। अरे चलो यहाँ से चला जाता हूँ। अरे भाई साहब बताओ यार। अरे एक सेकेंड, अरे तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई साहब पीछे आओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैंने तुम लोगों को हजार बार बोला है कि भाई साहब इस दरवाजे के सामने मत जाओ, भूल गए तुम लोग कि इस दरवाजे के अंदर भाई साहब चूचू चार्ल्स को हम लोगों ने क्या किया था? अरे हाँ लेकिन फ्रैंकलिन भैया, अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाई साहब, तुम लोग फिर से शरारती कर रहे थे ना। ए भाई साहब कलुए, पहले बात तो सुन ले उसका, फिर यहाँ पे चिल्लाना। अरे हाँ बताओ। अरे यार बात तो सुन लो पहले सब, उसके बाद बोलना। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैं और शिनचैन ऊपर टीवी देख रहा था। हाँ तो उसके बाद फ्रैंकलिन भैया मुझे कुछ ऐसा लगा कि हम लोगों को कोई पुकार रहा है। अरे यार पुकार रहा है मतलब? अरे यार मतलब कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। क्या? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है यार, इस दरवाजा को तो हम लोगों ने परमानेंट सील कर दिया है, और चूचू चार्ल्स को हम लोगों ने इसके अंदर ही बंद कर दिया था। भाई साहब मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा कि यहाँ पे भाई साहब मुझे चूचू चार्ल्स को हराने के लिए क्या क्या करना पड़ा था। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं सच में यार दोस्तों, यार ये चूचू चार्ल्स अगर फिर से यार आजाद हो गया ना, तो फिर हम लोगों का मौत तो निश्चित है। अरे तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अरे यार क्या करेंगे मतलब कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, चलो आ जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, सच में मैंने एक आवाज़ सुना था यार। अबे यार सुना था तो सुना था यार, चलो भाई साहब इन सभी चीजों से ज्यादा बात नहीं करते नोबिता शिनचैन। अरे यार आप तो यहाँ पे हम लोगों को भाव ही नहीं दे रहे हो। अरे नहीं यार भाव का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सब के बारे में मत सोचो यार, चूचू चार्ल्स भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम लोग भूल गए कि हम लोगों ने कितना ज्यादा मेहनत किया था उस चूचू चार्ल्स को हराने के लिए? और भाई साहब मुझे लगता है कि इस बार वो अकेला नहीं आएगा, इस बार भाई साहब यहाँ पे वो आर्मी के साथ आएगा। अरे लेकिन वो आर्मी का यहाँ पर बंदोबस्त कैसे करेगा, वो तो अकेला है ना। अरे यार भाई साहब अकेला तो भाई साहब वो भी था थॉमस द एविल ट्रेन, याद कर भाई साहब थॉमस ने क्या किया था हमारे साथ, धोखा, उसके सिवाय और कुछ किया था? अरे यार पता है भाई साहब, अगर थॉमस को हम लोग यहाँ पे आजाद नहीं करते तो फिर भाई साहब ना ही चूचू चार्ल्स बनता ना ही कुछ। अरे हाँ आपने खुद उसको बैटरी ला के दिया था। वो मेरा एक बेवकूफ़ी था यार, लेकिन मैं आगे से ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। इस लॉस सैंटोस को मैंने बहुत मुश्किल से बचाया है, इस लॉस सैंटोस तो एक लगभग यहाँ पर 100 करोड़ लोग है, इस लॉस सैंटोस को मैं खतरे में यहाँ पर नहीं डाल सकता। एक दरवाज़ा खोलने की चक्कर भाई साहब 100 करोड़ लोगों की जान खतरे में होगा यार। उसी 100 करोड़ में से तुम अपने बारे में सोचो फ्रैंकलिन क्लिंटन। अबे ये किसने कहा? अरे कुछ ऐसा ही सुना था मैंने भी। अरे हाँ मैंने भी। अबे क्या कहाँ से आवाज आया? अरे यार फ्रैंकलिन मुझे पता नहीं, लेकिन ये चूचू चार्ल्स का आवाज है ना। हाँ चूचू चार्ल्स का आवाज है भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया तो करे क्या यार? नहीं यार मुझे भाई साहब नहीं लगता कि हम लोगों को भाई चूचू चार्ल्स से लड़ना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया यार लड़ना होगा फिर से यार, फिर से भाई साहब इतने सारे लोगों का मौत होगा, और भाई साहब यहाँ पे मेरे अंकल भी नहीं है क्योंकि अंकल को यहाँ पे चूचू चार्ल्स ने मार दिया था। अरे यार हाँ। अरे फ्रैंकलिन भैया तो अब क्या करेंगे? अब भाई साहब मुझे पता नहीं है यार। अरे यार क्या करे? अरे मैं एक काम करता हूँ। क्या भाई साहब बोल। फ्रैंकलिन भैया पिछले बार हम लोग यहाँ पे अकेले लड़े थे। अरे हाँ पता है, हम तुम और यहाँ पे शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इस बार हम लोग फ्यूचर से डोरेमोन को बुला लेते हैं।
डोरेमोन को बुला लेते हैं। अरे हाँ, अरे डोरेमोन क्या करेगा? अरे फ्रैंकलिन भैया, डोरेमोन एक 21st century का एक बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट है। उसके पास जो गैजेट है ना, उस गैजेट से हम लोग उस चूचू चार्ल्स को आराम से हरा सकते हैं फ्रैंकलिन भैया, या फिर उस चूचू चार्ल्स को हम लोग खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा यार। चूचू चार्ल्स को हम लोगों ने भाई साहब उसी टनल के अंदर, उसी गुफा के अंदर, केव के अंदर बंद करके आए थे, और मुझे नहीं लगता कि वो उसके अंदर से निकल पाएगा। अरे वही तो बोल रहा हूँ। एक काम करो भाई साहब, डोरेमोन को बुलाओ। अरे तो फिर फ्यूचर में कॉल करना पड़ेगा। अरे यार टाइम टेलीविजन लगाओ नोबिता। अरे हाँ रुको, लगाता हूँ। अरे हाँ बिल्कुल, चल यार भाई साहब, नोबिता भाई साहब मैनेज कर रहा है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, मेरा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ भाई साहब। अरे लगा दिया। अरे रुको रुको, आ रहा हूँ। अरे भाई साहब लो, टाइम टेलीविजन लग चुका है, डोरेमोन को कॉल लगाओ। अरे हाँ रुको, कॉल लगाता हूँ। अरे डोरेमोन, डोरेमोन की आवाज आ रहा है, डोरेमोन, डोरेमोन। अरे यार डोरेमोन। अरे लो भाई साहब। अरे हाँ नोबिता, मैं यहाँ पे सुन पा रहा हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम हो चुका है? अरे फ्रैंकलिन भैया शिनचान कैसे हो? अरे डोरेमोन भाई साहब मैं तो अच्छा हूँ यार, लेकिन भाई साहब यहाँ पे लॉस सेंटोस से मुसीबत आ चुका है। अरे क्या मुसीबत? मतलब कैसा मुसीबत फ्रैंकलिन भैया? अरे यार भाई साहब क्या बताऊँ, हम लोगों ने भाई साहब यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं यार, कुछ महीने पहले यहाँ पर ना एक ऐसा मॉन्स्टर आया था, चूचू चार्ल्स नाम का भाई साहब, उसको हम लोगों ने यहाँ पर हराया था। क्या चूचू चार्ल्स? अरे हाँ, वो एक मॉन्स्टर था जो कि भाई साहब मेरे पापा ने यहाँ पर उसको बंद किया था अपने यहाँ पर गुफा के, आई मीन यहाँ पर घर के अंदर। अरे फ्रैंकलिन भैया घर के अंदर मॉन्स्टर को कौन पैक करता है? अबे यार पैक नहीं भाई साहब, बंद। अरे हाँ उसके बाद बताओ। अरे यार फिर ना वो यहाँ पर मैंने और नोबिता ने और शिनचान ने भाई साहब बहुत यहाँ पर भाई साहब लड़ाई किया था, उसके बाद ना आज भाई साहब वो फिर से हम लोगों को पुकार लगा रहा है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा यार। नोबिता यार हम लोग सब लोग यहाँ पर डर रहे हैं। डोरेमोन क्या तुम आ सकते हो यहाँ पे? अरे ऐसा बात है, मैं अभी आता हूँ। अरे थैंक यू डोरेमोन, जल्दी आओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप चिंता मत कीजिए, रखता हूँ। अरे हाँ ठीक है। लो भाई साहब अब आएगा मजा। अरे हाँ अब आएगा मजा, चूचू चार्ल्स को मिलेगा सजा। बिल्कुल भाई साहब, डोरेमोन आ रहा है यार। अब डोरेमोन के पास भाई साहब आधुनिक गैजेट लेके भाई साहब यहाँ पे इस चूचू चार्ल्स के बच्चे का छोड़ूंगा नहीं। अबे भाई साहब लग गया हाथ पे। अरे इतना खुशमत हो ये? अरे क्यों भाई साहब? क्योंकि फ्रैंकलिन भैया कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ पता है, लेकिन यार इतना चिंता मैं क्यों करूँ। चलो यार डोरेमोन बस आता ही होगा। अरे हाँ, अरे आता होगा नहीं, आ चुका हूँ। अरे भाई साहब डोरेमोन, अरे डोरेमोन। अरे नोबिता देखो, ये है फ्यूचर का यहाँ पर टाइम मशीन, देख डोर, एनीवेयर डोर। अबे क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, इस डोर की मदद से हम लोग फ्यूचर में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते है। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, डोरेमोन एक रोबोट है यार, आधुनिक। अरे हाँ भाई साहब। अरे अब बताओ फ्रैंकलिन भैया, कौन सा कहाँ पर क्या चीज, कौन चूचू चार्ल्स? अरे यार इस दरवाजे के अंदर बंद है भाई साहब। अरे चलो मुझे दिखाओ। अरे हाँ आ जाओ यार, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक यहाँ पर मैं बात कहना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ कि डोरेमोन का एंट्री यहाँ पे आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा है तो लिख दो आई लव यू डोरेमोन। चलो यार डोरेमोन आ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे देखो भाई साहब, इसी दरवाजे के अंदर बंद है भाई साहब चूचू चार्ल्स। अरे तो फिर आप ये पे घबरा क्यों रहे हो? तो फिर चलो ना हम लोग चलते हैं इस गुफा के अंदर। डर लग रहा है भाई साहब। फ्रैंकलिन भैया जब तक आप ये पे डरना बंद नहीं करोगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आई नो, बट फिर भी यार डर तो लगता ही है जी। ये भाई साहब तो डरता है तो यहाँ पे अंदर क्यों रे? यहाँ पे भाई साहब बाहर चले जा। अबे भाई साहब जब चूचू चार्ल्स आया था तब हम लोग यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे लड़े थे, तू नहीं। अरे यार छोड़ो चुप की बात, चलो इसके अंदर जाते हैं। अरे हाँ भाई साहब एक सेकेंड। अबे यार चाबी कहाँ पड़े? अरे चाबी तो आपने इस समुंदर में बहा दिया था ताकि इस दरवाजे को और कोई ना खोल पाए। अरे यार भाई साहब चाबी को दबा दिया था, नहीं भाई साहब फेंक दिया था यार। अबे क्या करे डोरेमोन? अरे अब क्या करे मतलब फ्रैंकलिन मैं, चलो अब अभी हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे यार क्या करूँ क्या करूँ, छोड़ो भाई साहब फिर से वही ट्रिक आजमाता हूँ। अरे यार फिर से वही ट्रिक? हाँ फिर से वही ट्रिक। चलो ये दो, ये तीन, ये चार, और अभी भाई साहब हो गया यहाँ पे धमाका, जल्दी से पीछे आ जाओ। अरे हाँ रुको। अरे यार रुक जाओ। अरे भाई साहब हटो, सभी लोग हट जाओ यहाँ से, नहीं तो भाई साहब धमाधर युद्ध होगा। अरे ये लो एक दो तीन भाई साहब कलवे।
जॉब सॉरी यार, चलो यार खुल चुका है। अरे हाँ चलो। ओके यार चलो, हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। दोस्तों यार चूचू चार्ल्स को तुम लोग भली भांति जानते हो, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं यार, सभी लोग यहाँ पे ठीक से रहना। अरे हाँ ओके लेट्स गो। अरे यार ये क्या है? अरे यार यही है भाई साहब चूचू चार्ल्स का बहिर्गुहा, जहाँ पे हम लोग भाई साहब उसको बंद करके रखे हैं। अरे लेकिन लेकिन यहाँ पे लाइट कैसे? अरे यार गुफा पहले यहाँ पर ना पूरा लाइटहीन था यार, लेकिन हम लोगों ने भाई साहब यहाँ पे लाइट लगवाया ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से जा सके। आ जाओ। अरे हाँ चलो। अरे भाई साहब यार फिर से यहाँ पे इतिहास भाई साहब दौड़ाना पड़ रहा है। पता नहीं यार चूचू चार्ल्स भाई साहब हम लोगों को शांति से जीने क्यों नहीं देता यार। हम लोगों ने तो यहाँ पे चूचू चार्ल्स को पत्थर के अंदर बंद कर दिया था ना नोबिता शिनचैन। अरे हाँ। तो भाई साहब चांस नहीं होता कि वो फिर से लौट के आ जाएगा, लेकिन यार वो आवाज तो यहाँ पे चूचू चार्ल्स का ही था। चलो यार आ जाओ। अरे हाँ चलो चलो। अरे बापरे ये तो गुफा बहुत बड़ा है। अरे यार बड़ा ही नहीं भाई साहब, यहाँ पे और ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। अरे यार भाई साहब चलो चलो। अरे क्या? अरे यार मैंने तुम लोगों को कहा था कि यहाँ पे भाई साहब इसको यहाँ पे हटा दो, इस लाश को तुम लोगों ने अभी तक नहीं हटाया बेवकूफो। अरे हम लोग भूल गए। अरे यार भूल गए कि बच्चे भाई साहब यहाँ पे बदबू आ रहा है सरा हुआ। अरे ये कैसे मरा? अरे यार इसको भाई साहब कोई चूचू चार्ल्स ने मारा होगा। चलो यार। अरे और कितना दूर? अभी भी भाई साहब बहुत दूर है, यहाँ पे एक और दरवाजा है, उस दरवाजा के अंदर मिलेगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे डर लग रहा है। अरे यार नोबिता भाई साहब डोरेमोन है भी तेरे साथ। अरे मैं हूँ ना। अरे फिर भी। अरे यार डरपोक। अरे यार डोरेमोन देखो ये है वो दरवाजा जो कि सामने है, और इसी दरवाजे के अंदर हम लोगों ने कैद किया था चूचू चार्ल्स को। अरे तो फिर डरना क्यों, चलो चलो। हाँ भाई साहब डर लग रहा है यार, जाओ कि नहीं जाओ? अरे फ्रैंकलिन भैया चलो यार, कुछ कुछ भी हो सकता है। अबे तो डर क्यों रहा है भाई साहब, खुद तो डर रहा है, मुझे भी डरा रहा है। चलो चुप कर जा भाई साहब, चलो यार। अरे हाँ चलो। ओके लेट्स गो। अरे ये क्या, ये कौन सा जगह है? अरे यार भाई साहब ये वही जगह है जिस जगह पे हम लोगों ने चूचू चार्ल्स को बंद किया था, और यहाँ पर भी हम लोगों ने लाइट वगैरह सब कुछ लगवाया, क्योंकि यहाँ पर चूचू चार्ल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, इसीलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए। अरे हाँ फ्रैंकी मैं समझ गया। अरे हाँ भाई साहब देखो, उन लोगों को भाई साहब रोकने के लिए यहाँ पर मैंने सीसीटीवी कैमरा भी लगाया था, और साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पे पूरा गन स्टोरेज भी किया है। अरे लेकिन इस गन्स का क्या काम? अरे यार ये गन का काम है भाई साहब, अगर चूचू चार्ल्स भाई साहब आजाद हो जाए ना तो इस गन से हम लोग चूचू चार्ल्स को भून डालेंगे यार। अरे लेकिन उसके ऊपर तो गन्स का कोई यहाँ पे असर ही नहीं होता। अरे पता है यार ये पूरा लॉबी यहाँ पे भाई साहब हथियार से भरा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि चूचू चार्ल्स यहाँ पे कुछ भी करे नेक्स्ट टाइम। अरे मुझे पता है फ्रैंकलिन भैया। अरे लेकिन हम लोग ये सब कुछ देखने नहीं आए हैं यार, हम लोग चूचू चार्ल्स को देखने के लिए आए हैं ना, चलो उसके पास। हाँ भाई साहब आ जाओ यार उसके पास, जल्दी से आओ। अरे हाँ चलो। डोरेमोन देखो यार इसी जगह पे चूचू चार्ल्स को हम लोगों ने बंद किया था। अरे हाँ भाई साहब वो जो आगे का यहाँ पर गुफा देख रहे हो ना भाई साहब, मतलब गुफा नहीं है वो भी एक जगह है, उसी जगह के अंदर हम लोगों ने चूचू चार्ल्स को बंद किया था। अरे वाह बहुत बढ़िया किया था। अरे हाँ भाई साहब अभी देखता यार चूचू चार्ल्स यहाँ पर क्या कर रहा है। चूचू एक सेकंड। अरे क्या हो गया, ये तो गायब है। अरे क्या भाई साहब, इसी जगह के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे चूचू चार्ल्स को, ठीक इसी सेम जगह में हम लोगों ने चूचू चार्ल्स को यहाँ पर पत्थर के अंदर भाई साहब कैद करके रखा था। वो पत्थर भी गायब, चूचू चार्ल्स भी गायब, कहा जा सकता है? अरे क्या फ्रैंकलिन भैया आप क्या बोल रहे हो? भाई साहब मर गया यार चूचू चार्ल्स, मुझे पता है कि तुम यही कहीं छुपे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है भाई साहब जल्दी से बाहर आ जाओ, उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ। इतने सालों के बाद आजादी मिल रहा है फिर से, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन। अरे अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़के दिखा। डोरेमोन चुप कर जा भाई साहब, चूचू चार्ल्स कुछ भी कर सकता है। अरे यार फ्रैंकलिन मैं क्या करे,
अरे फ्रैंकलिन पीछे, अरे क्या ये है? क्या 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 क्या, क्या? चोचो बहुत दिन पहले मुलाकात हुआ था, उसके बाद बहुत दिन बाद हो रहा है। क्यों फ्रैंकलिन? ये का ये ले। अबे क्या गोली का कोई असर क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? मारो और मारो। अरे यार ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये क्या? अरे फ्रैंकलिन मैं हटो। अरे हाँ हट गया भाई साहब। अरे मैं लड़ता हूँ। अरे तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा? ये मैं हूँ डोरेमोन। अब ये डकून कौन है? क्या डकून बोला ये का? मुझे इससे तकलीफ हो रहा है। ये ले। अरे काम कर रहा है ये का। लीजिए फ्रैंकलिन भैया, ये तो गया। अरे भाई साहब यार बहुत बढ़िया यार। यार बढ़िया नहीं। अरे क्यों? अरे क्या तुम फिर से आ गए? एक से बढ़ के दो, दो से बढ़ के तीन, और तीन से बढ़ के चार। ये लो ये कहो। अरे बाप डोरेमोन, ये क्या? एक सेकंड। अरे क्या हो गया यहाँ पे? तुम जिसको मार रहे हो ये एक्चुअल में चूचू चार्ल्स है ही नहीं। अरे क्या? हाँ, क्योंकि चूचू चार्ल्स भाई साहब इतने सारे नहीं है यार, ये उसका प्रतिबिंब है। अरे क्या प्रतिबिंब? बिल्कुल। अरे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्द समझ गए तुम फ्रैंकलिन, देख के खुशी हुआ। मतलब देखा ये चूचू चार्ल्स था ही नहीं। अरे तो फिर ये कौन था? अरे पता नहीं। अरे क्या ये तो सिर्फ एक मिराज है? अगर ये मिराज है तो फिर यहाँ पे असली चूचू चार्ल्स कौन है फ्रैंकलिन भैया? अरे यार चूचू चार्ल्स ऐसा ही दिखने में है। अरे फ्रैंकलिन भैया हम लोग फंस गए हैं यार इस जगह में। अरे हाँ फंस चुके भाई साहब। अरे तो फिर यहाँ पे हम लोगों को भागना चाहिए। अरे डोरेमोन कैसा बात कर रहे हो, तुम्हारे पास गैजेट नहीं है क्या? अरे है ना। अरे कैसा? ये देखो ये है स्मॉल लाइट। क्या स्मॉल लाइट? अरे हाँ, अगर मैं यहाँ पे शिनचैन को स्मॉल लाइट से लाइट दूंगा तो फिर शिनचैन छोटा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर देखो ये लो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे छोटा कर दिया। अरे ये क्या है भाई साहब? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया देखो इससे शिनचैन कितना छोटा हो चुका है। अरे यार अभी देखो नोबिता ये लो। अरे ये क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भैया डोरेमोन को बोलो ना। फ्रैंकलिन भैया आप भी ये लो। अरे डोरेमोन के बच्चे भाई से हम लोग को बड़ा करो भाई से जल्दी से। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया रुको, मैं स्मॉल लाइट के यहाँ पर चेंजिंग कर देता हूँ। ये है बिग लाइट, ये लो ये लो ये लो। अरे भाई साहब चलो बच गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे खेल खेलने के लिए नहीं आए यार, यहाँ पे भाई साहब चूचू चार्ल्स को पकड़ना है। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन वो आए तो सही। तुमने पुकारा और मैं चलाया। लो भाई साहब। अरे तुम असली हो क्या नकली? मैं असली चूचू हूँ। अच्छा ये खाओ स्मॉल लाइट। अरे क्या इसके असर तो कुछ भी नहीं हुआ? अबे भाई साहब क्या होगा? फ्रैंकलिन भैया चुपचाप कल्टी मार जाओ यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ेगा। अरे यार बेवकूफ अभी हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे। फंसोगे तो सही, अब पेड़ हाथ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ फ्रैंकलिन। बहुत दिन तक मुझे इस गुफे के अंदर बंद रखा, उसका बदला मैं लूंगा। देखो चूचू चार्ल्स हम लोगों को यहाँ पे जाने दो, सौदा कर लेते यार। मैं चूचू अपने दुश्मनों के साथ सौदा नहीं करता, उसको मौत की घाट पे उतारता हूँ। अबे कहा गया या? अरे फ्रैंकलिन भैया अब तुम लोग मरोगे। यहाँ पे चूचू चार्ल्स आजाद हो चुका है, मैं आजाद हूँ, बिल्कुल आजाद। अभी मैं यहाँ से इस दुनिया में बाहर निकलूंगा, उसके बाद लॉस सैंटोस पे तबाही। इस जगह को मैं तबाह करूंगा, मुझे इस जगह में रहते हुए बहुत दिन हो चुका है,
और ये मैं बाहर आ चुका हूँ। अरे ये कैसा मकड़ी है? मकड़ी बोलता है जो जो चाल सुमें यहाँ पे अभी इस लॉस सैंटोस को मुझसे डरना होगा। पूरी दुनिया का बादशाह बनूंगा मैं अभी चोचो चार्ल्स। तो फिर यहाँ पे चूचू चार्ल्स फिर से इस दुनिया में जब आजाद हो गया और हमारा जाबाज हीरो फ्रैंकलिन नोबिता शिनचैन चूचू चार्ल्स के उस अटैक के बाद यहाँ पे कहीं गायब सा हो गया। पता नहीं कि हमारा हीरोज लोग कहाँ पर हैं। तो फिर क्या होगा आगे? अगर जानना है तो फिर कमेंट कीजिए पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय।